तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए एक नए और वीडियो के साथ में। आज हम लोग बात करने वाले इन्वर्टर बोर्ड के बारे में। इन्वर्टर बोर्ड एलईडी टीवी के अंदर जो लगा रहता है उसके बारे में। अगर हमारे एलईडी टीवी का जो पावर सप्लाई में जो इन्वर्टर बोर्ड लगा रहता है अगर डिफेक्टिव हो जा रहा है, तो मार्केट से जो हम लोग इन्वर्टर बोर्ड लेते हैं उसका कनेक्शन कैसा करते हैं, और इसका इनपुट जो वोल्टेज होता है और आउटपुट जो वोल्टेज होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि कंफर्टेबली कौन सा साइज में कौन सा इन्वर्टर बोर्ड बैठते हैं। हमारा 22 से लेके 65-85 इंच के जितने भी टीवी रहते हैं उसके लिए कंफर्टेबल कौन सा इन्वर्टर बोर्ड मार्केट में मिल जाता है, और ये सारे के सारे जितने भी इन्वर्टर बोर्ड जितना भी साइज का टीवी चाहिए हमको 22 से लेके 85 तक वो मार्केट में इजिली मिल जाता है। तो उसके बारे में हम लोग फाइनली बात करेंगे कि इसका कनेक्शन कैसा रहता है, इसको वोल्टेज इनपुट क्या रहता है, इसका कंफर्टेबल टीवी के हिसाब से कितना एम्पियर आना चाहिए, और इसका लाइट क्यों बार बार अगर इन्वर्टर बोर्ड हम लोग मार्केट का डालते हैं तो जल जाता है, उसके बारे में हम लोग फाइनली आज बात करने वाले हैं। ये हमारा जो मार्केट से मार्केट में नॉर्मली मिलता है जो इन्वर्टर बोर्ड, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। इसका जो नेक्स्ट वर्जन है बड़ा साइज का उसके बारे में भी बात करेंगे, और उससे भी बड़ा वाला जो इन्वर्टर बोर्ड आता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो फाइनली फर्स्ट हम लोग अभी जो बात करेंगे ये नॉर्मली छोटा सा इन्वर्टर बोर्ड है, 22 से लेके 32 इंच के एलईडी टीवी में कंफर्टेबली फिट हो जाता है, इसके बारे में फाइनली बात करेंगे। इसका जो इनपुट वोल्टेज होता है ये 12 से लेके 25 वोल्टेज तक के कंफर्टेबल रहता है। अगर हमारा टीवी में जो पावर आउटपुट होता है 12 वोल्ट से लेके 25 वोल्ट तक जो भी आउट करेगा उसके बीच में हम लोग कनेक्शन दे सकते हैं ये इन्वर्टर बोर्ड के अंदर। और जो इसका बीएल ऑन रहता है वो 3.3 से लेके 5 वोल्ट तक हम लोग दे सकते हैं, और जो इसका पॉइंट तीसरा रहता है एडजस्ट का रहता है उसको भी हम लोग 3.3 से लेके 5 वोल्ट दे सकते हैं। और नॉर्मली कौन सा भी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए ग्राउंड तो कंपलसरी रहता है, उसके बारे में बात करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो फाइनली इसका जो इनपुट वोल्टेज है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये इन पॉइंट है ये, और ये दूसरा आउट पॉइंट है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसका जो इन पॉइंट है इसमें हम लोग फाइनली इन देंगे। इन मीन्स जो हमारा पावर सप्लाई से आउट वोल्टेज होएगा और मदरबोर्ड से जो ऑपरेटिंग आउटपुट होएगा, मदरबोर्ड से जो ऑपरेटिंग आउटपुट होएगा वो एडजस्ट होएगा और बीएल ऑन होएगा, और जो हमारा पावर सप्लाई से आउट होएगा उसका प्लस भी होएगा, प्लस भी 12 वोल्ट से लेकर 25 वोल्ट और ग्राउंड होएगा। और जिसका जो आउटपुट होता है आउटपुट हमारे जो इन्वर्टर बोर्ड में लगता है टीवी के अंदर जो बैकलाइट लगा रहता है वो होता है। तो इसका फाइनली फर्स्ट हम लोग इनपुट के बारे में बात करते हैं, सेकेंडरी हम लोग आउटपुट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि फर्स्ट हम लोग को जब तक इनपुट का वायरिंग के बारे में नॉलेज नहीं आएगा तब तक हम लोग आउटपुट के बारे में बात कर ही नहीं सकते। तो फर्स्ट हमारे जो इनपुट का पिन रहता है इसके अंदर 4 पिन रहते हैं। फर्स्ट प्लस बी रहता है, सेकेंड ग्राउंड रहता है, थर्ड बीएल रहता है, बीएल ऑन रहता है, और फोर्थ जो रहता है उसका एडजस्ट का पिन रहता है। तो फर्स्ट जो हमारा वोल्टेज पिन रहता है, फर्स्ट जो पिन रहता है प्लस बी ये 12 वोल्ट रहता है, 12 वोल्ट से 25 वोल्ट रहता है, और जो हमारा सेकंड पिन रहता है वो ग्राउंड रहता है। आपको इजीली उस जो भी इन्वर्टर बोर्ड लेंगे उसके पीछे लगा रहता है। और जो बीएल ऑन रहता है वो 3.3 से लेके आप मैक्सिमम उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं, मैक्सिमम आप 5 वोल्ट तक ले सकते हैं। लेकिन हम लोग अगर 5 वोल्ट भी अगर यूज करते हैं तो एक कंडीशन में इन्वर्टर बोर्ड खराब होने का काफी ज्यादा चांसेस रहता है। तो मैक्सिमम हम लोग 3.3 ही लेंगे और उससे ऊपर नहीं जा सकते, उसके ऊपर अगर जाते तो काफी रिस्की हो जाता है क्योंकि वो इन्वर्टर बोर्ड को उड़ा देगा। 3.3 ले लेंगे, और हमारा जो एडजस्ट रहता है वो 3.3 उसको भी ले लेंगे, कनेक्ट कर सकते हैं। कभी भी वायरिंग करते टाइम आपको एडजस्ट को भी कनेक्ट करना काफी जरूरी है, नहीं तो एक कंडीशन में क्या होता है ब्राइटनेस आपका जो एलईडी टीवी का रहता है ऑटो पे रहता है, वो एडजस्ट नहीं होता है ऑटो पे रहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बैकलाइट है जो जल्दी खराब हो जाता है एक कंडीशन में अगर आप एडजस्ट का पिन कनेक्ट नहीं करते हैं तो। और अगर हमारे पास एलईडी टीवी है अगर उसके अंदर ज्यादा बैकलाइट है बाहर से जो बैकलाइट मार्केट में आता है, और उसको एम्पियर अगर एम्पियर काफी ज्यादा बैकलाइट है उसको एम्पियर को और ज्यादा ग्लो करना है और ब्राइट करना है, तो उसके जगह पे सारे के जितने इन्वर्टर बोर्ड रहता है वहां पे एक रजिस्टर लगा रहता है। सपोज हमारा जो एलईडी टीवी 32 इंच का जो इसका बैकलाइट का एम्पियर है वो 250 एम्पियर है,
मिली एम्पियर है, 250 एम्पियर में नहीं आता है, मिली एम्पियर में आता है। अगर हमको 300 मिली एम्पियर करना है तो उसके जगह पे हमारा ये रजिस्टर दिया रहता है। वो कंडीशन अगर हमको 250 से 300 एम्पियर में जाने का है तो वो जगह पे रजिस्टर रहता है, उसको आपको कनेक्ट करना पड़ता है, शॉर्ट करना पड़ता है। जैसे आप शॉर्ट करेंगे तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होता है, सपोज हमारा आउटपुट वोल्टेज 55 वोल्ट आ रहा है, जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो 65 70 तक चला जाएगा एक कंडीशन में। बाकी इसके जो भी मॉस्फेट है वो मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, और जितने भी सारे इन्वर्टर बोर्ड रहते हैं उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन रहता है, 4 पिन 5 पिन 6 पिन सब मॉडल के लिए कंफर्टेबल अलग अलग रहता है। सपोज आपके पास 32 इंच का है, वो 5 से 6 वायरिंग का रहता है तो वो वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं, और 4 से 5 रहेगा वो यहाँ पे कर सकते हैं, आपके पास 2 पिन का कनेक्टर है तो यहाँ पे कर सकते हैं। और आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे से तो हमने डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया है, आप 24/7 कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए हमारे से वो जितना भी हो सकेगा हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। करेंगे।